वेलकम बैक टू माय चैनल सुरीज में हानिया फमानीज वर्ल्ड। और आज आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये कहाँ टपक गई है, कैसे टपक गई है, इसे कैसे याद आ गया कि इसका भी एक यूट्यूब चैनल है। तो हाँ भाई, फाइनली 2 महीने बाद मुझे भी याद आ गया कि एक यूट्यूब चैनल मैंने भी बनाया था और सब मुझे वीडियोज़ भी डालनी है। तो यार काफ़ी टाइम से बहुत मसरूफियत चल रही थी जिसके वजह से मैं वीडियोज़ नहीं बना पा रही थी। वीडियोज़ बना रही थी बट एडिट नहीं कर पा रही थी। एक्चुअली मेरे चल रहे हैं पेपर फर्स्ट ईयर के, तो मैं उसमें बहुत बिजी थी। लेकिन चूँकि अब बकरीद आ गई है तो बकरीद में यू नो कितना कुछ इंटरेस्टिंग होता है दिखाने के लिए। हालांकि मैंने इससे पहले भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें की, वो मैं नहीं दिखा पाई जस्ट बिकॉज ऑफ माय पेपर। ये पेपर जो बीच में आए ना, या बकरीद जो पेपर के बीच में आई है, इसने मेरा प्रोग्राम मार दिया। समझ रहे हो ना। तो आज है भाई, आज बकरीद तो नहीं है लेकिन आज बकरीद की जान जाता है। तो मैंने सोचा कि भाई अपने व्यूवर्स को अपनी गाय दिखा दूँ जो ईद से 2 दिन पहले आई है। सिर्फ 2 दिन पहले यार, ये सोचो आप हमारे साथ कितनी नाइंसाफी हुई है कि लोगों के घर में महीना महीना पहले गाय आ जाती है, महीना महीने नहीं तो 10-10 दिन पहले तो आती है। हमारे घर में आई है सिर्फ 2 दिन पहले। तो अभी बज रहे हैं 2:15 या कुछ ऐसा, मुझे नज़र नहीं आ रहा है एक्चुअली। तो आप पापा गए हैं हमारी गाय को बारे से लेने के लिए और सिर्फ आज का दिन है जो मैं उसके साथ स्पेंड कर पाऊँगी। एक्चुअली कल उसके साथ थोड़ा टाइम मैंने स्पेंड करा, मुझे रिलाइज हुआ कि यार हमारी गाय बहुत अच्छी है, बहुत मासूम है, बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। क्योंकि मुझे ना, मुझे गाय ऐसे कोई नहीं है, मोटे ताज़े देख के मैं नहीं पसंद करती। आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग, मुझे सिर्फ एक चीज़ अच्छी लगती है और वो है उसका मासूम होना। अगर वो गाय मासूम है तो मुझे उससे बहुत प्यार हो जाएगा। अच्छा ठीक है। और हमारे गाय अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत मासूम है। अभी वो आएगी तो मैं आपसे मिलवाऊंगी। मतलब ऐसे ही हमने उसे बहुत प्यार करा, बहुत कुछ किया, उसके साथ बहुत वीडियोस भी बनाई, लेकिन उसने मुझे कुछ नहीं कहा। तो मैंने मुझे उससे पर प्यार हो गया। ठीक है, तो अभी मैं आपको उससे मिलवाऊंगी। माशाल्लाह से बहुत प्यारी है। और एक साइड न्यूज़ में आपको बताऊँ तो मेरे चल रहे हैं पेपर्स और अभी भी मेरे पेपर्स चल रहे हैं। 24 तारीख को भी मेरा पेपर। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। लेकिन आज देखो मैं व्लॉग्स बना रही हूँ क्योंकि बोर्ड वालों का हम पर थोड़ा रहम आ गया, तो उन्होंने हमारे मुश्किल पेपर सारे पहले ले लिए जैसे केमिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स। तो ये मेरे जान के जो अजाब वाले सब्जेक्ट होते हैं इनके पेपर हो गए। अब मेरे इजी बच्चे हैं जिनमें मैं मास्टर हूँ, लाइक इंग्लिश, केमिस्ट्री, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामिया। तो ये तो मैं बहुत आराम से कर लूँगी। इसलिए मैंने कहा भाई अभी जियो अपनी ज़िंदगी, पढ़ाई वढ़ाई होती रही है, पढ़ाई 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 क्या। पीछे देखो, पीछे तो मैंने कहा यार आज मैं ज़रा कर लेती हूँ, पर मैं कल पढ़ाई करूँगी क्योंकि यार पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए अभी हमारी गाय आएगी तो उससे मैं आपको मिलवाऊँगी, तो मिलते हैं कुछ देर बाद। सो गाइस, अभी तो मतलब गाय का हम वेट कर रहे हैं और नाश्ता वगैरह तो हमने कर लिया था, लेकिन अभी हम गाय का वेट कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले भी हमें कुछ काम है करने के, लाइक घर को समेटना यार, क्योंकि अभी घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा समेटना ही पड़ेगा। मैं आपको एक बार घर की हालत दिखाती हूँ, बोलेंगे ओह माय गॉड। ये है हमारी पार्किंग। अब आप लोग सोचोगे भाई इनकी पार्किंग तो क्या हुआ। तो यार ये सारी जो चीज़ें ना, ये सारी मामूली पड़ी आ गई, आ गई है हमारी गाय। सो गाइस, गाय हमारी आ चुकी है और देखो मेरे ब्लॉग के चक्कर में कुछ काम नहीं आ रहा, मुझे पार्किंग समेटनी थी। एक्चुअली क्या हो गया मुझे, ये जो चारा है ना, ये कल मैंने और मिस बाने अपनी गाय के लिए बनाया था और उसने ये नहीं खाया था, ये बच गया था। तब मुझे इसको फेंक के टब वॉश करना था, ये सब पार्किंग समेटनी, बर्तन वॉश करने थे गाय के आने से पहले। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा लेजी हो चुकी हूँ या ब्लॉग की वजह से, मैंने वो सब नहीं करा और गाय आ गई। तो चलो मैं आपको पहले गाय से मिलवा दूँ, मतलब बहुत अच्छी है। आप लोगों से मिलोगे आप लोग बोलोगे माय गॉड ये इतनी अच्छी है। तो गाइस ये है हमारी गाय। माय गॉड, डरना मत, ये बहुत मासूम है, ये बहुत मासूम गाय है हमारी। हेलो, मिसबा को देखो, बस आप मिसबा को देखो, मिसबा की अलग मसरूफियत चल रही है। और हमने इसका यार देखो एक बार इसको, मिसबा एक मिनट हटो, आप इसको एक बार पूरा देख लो, इसका पूरा लुक ले लो, हट जाओ ना, मैं नहीं हटने वाली। तो इसका नाम आप सजेस्ट करो हमें क्या रखना चाहिए। वैसे तो हमने इसका नाम रखा है ब्राउनी, इसका नाम हमने रखा है ब्राउनी। गाइस आप लोगों ने आज देखा कि मेरी गाय कितनी मासूम है, कितनी प्यारी है यार। ये देखो मैं इसके बराबर में खड़ी हूँ बिल्कुल, और मैं इसके बराबर में खड़ो के इसके साथ हमें इसको पानी चाहिए। मुझे थोड़ा डर लग रहा है, मुझे थोड़ा डर तो लग रहा है, अभी करते हैं पानी वानी। तो बहुत मासूम है, बहुत अच्छी है हमारी गाय, मैं बता दूँ। फिलहाल ये थोड़ा सा मतलब वो भी है कि मैं कहाँ गई, तो चलो इसके लिए चारा बना। सो गाइस चारे का तो अभी मम्मा बाबा ने बोला है अभी नहीं खिलाओ, क्योंकि अभी इसका पेट भरा हुआ है, वो खा पी के आई है और वो नहीं खा रही अभी। तो चारा तो हम लोग पानी पिला,
हमारे ब्राउनी को पानी पिलाते हैं। पानी पी रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। यार जब से ब्राउनी आया ना मैं तो भूख पे हाथ छोड़ गई है, खाना पीना सब छोड़ दिया। उसके बाद हमारे गली वाले इतना ज़्यादा बदतमीज़ है, मुझे लाइफ में जो मिला बदतमीज़ी मिला। ओह माय गॉड, सुन लेंगे और मतलब आप समझ जाओ यार, अच्छे लोग तो कभी हमसे टकराए ही नहीं, अच्छे लोगों को अच्छे लोग नहीं मिलते। तो हमारे गली वाले भी बड़े बदतमीज़ हैं, तो क्या करें। खैर अब यार क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे, ये कोई मौका है क्रिकेट खेलने का, खुद सोचना चाहिए ना। और आज गर्मी भी इतनी है ना, एक हद से ज़्यादा मैं पार्किंग में खड़ी हूँ, मुझे पसीना इतना आ रहा है, मुझे तो गाय के लिए फिक्र हो गया। बैक टू ब्लॉग आते हैं भाई, देखते उसने पानी पी लिया या नहीं। पी लिया है भाई। थोड़ी देर हमने दी अपनी गाय को रेस्ट की, भाई तू कर ले कितना रेस्ट, क्योंकि अभी भी आई है बारिश से रेस्ट करके अब फिर रेस्ट कर। अब हम जा रहे हैं, उसके बाद अब हम सारे टाइम उसको स्पेंड करेंगे। यार बस आज है आखिरी दिन, और हो सकता है कल का भी क्योंकि कुर्बानी, हो सकता है परसों करें दूसरी ईद को, और लेकिन फिर भी यार मैं चाहती हूँ मैं अपना सारा वक्त इसको दे दूँ, अपना सब कुछ इसको दे दूँ, मुझे इतनी मोहब्बत हो गई है इससे, मैं क्या करूँ। मिसवा की हरकत है आप चेक करो, आप इसकी हरकत भी चेक करो, हमारी गाय ने एक कुछ किया है कल किया था सूखा हुआ था वो, आज क्या मैं गीला करूंगी। क्रीम क्यों आ रही है? हाँ अच्छा ठीक है ठीक, प्यारी सी बना रही हूं, इतनी प्यारी है यार। ये देखो यार, ये देखो, ये रो रही है, डोंट क्राई, ये रो रही है बेटा। कहते हैं कि जो है ना गायों को ना एक दिन पहले छूनियां नजर आती है, कहते हैं आई डोंट नो इट्स रियलिटी और नॉट। रो मत, मैं तेरी चाह रो मत, हम तो कुर्बानी होगी, हम तो से जन्नत में मिलेंगे ठीक है, हमारे को भी जन्नत में लेके जाना। अरे अल्लाह तो सॉरी, यार इसके आंसू आ रहे हैं यार, ये वाकई में रो रही है यार। हम इसके तीनों नाम लेंगे और देखेंगे इसको कौन सा पसंद है। चलो स्टार्ट करो, पहले मैं लूंगी फिर तू लेगी। चलो ब्राउनी ब्राउनी ब्राउनी, सुन ले बे सुन ले, इधर मुंह करो, इधर मुंह करो, नहीं खेत दर्द होता है। सॉरी 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 सॉरी। और यार इसकी ये मेहंदी ना लगी भी आई थी लाल सर वाली गाय, लाल सर वाली गाय और लाल सर वाली गाय, इधर मुंह का यार बेटा, ये बहुत उदास है, ये बैठना चाह रही है शायद, चाह रहा है ना यार, वीडियो अच्छी नहीं है, I'm sorry। हम लोग ना अभी बहुत प्यार कर रहे हैं बट ये ना पता नहीं किस बात पे दुखी है। सो गाइस अभी हमारी गाय ने कर लिया है अपने इर्द गिर्द की जगह को बहुत ज़्यादा गंदा, अभी हम जा रहे हैं उस जगह को साफ करने के लिए ताकि वो बैठ सके, क्योंकि वो बैठ नहीं रही जब से आई है। चलो यार अभी हम उस जगह को साफ करते हैं ताकि वो बैठे, मुझे तो बहुत दुख हो रहा है। सो देख सकते हैं आप मासी हमारे घर की, ये नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अरे रुको सफाई वाली इधर आओ, लोग इतने हैं यार, लोगों को छोड़ो तुम, आओ। आ रही हो कि नहीं आ रही हो? लोग बना रही हो, ये मैं डाल दूंगी ऐसे कि तुम कितने डरपोक हो, लोगों से अभी नहीं मिलनी तो बाद में क्या होगा, बाद में कितना डरोगे तुम। देखो गाइस गोबर स्पेशल तैयार हो गई है यार, मुझे ना लोगों का थोड़ा वो हो रहा है, क्योंकि वही वीडियो बन रही है वीडियो। तो गाइस तुम्हारी कमी की चुप ना, वो इंतजार कर रहा है, बताऊंगी मैं आपको बता रही हूं इसलिए वो हो रहा है, अदरवाइज मुझे कोई शेयर बनाया नहीं अपनी गाय का गोबर खाने में। आ जाए सफाई वाली मासी, एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह, जल्दी आओ, रात को इन्होंने किया था साफ गोबर। टिंको वाली झाड़ू ले आओ, ये नहीं टिंको वाली, ओए ओए पूरी आई नहीं ना, पड़ेगी मुझे ही। ये देखो 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 व्यू चेक करो, ये देखो सफाई वाली झाड़, इसके लिए चला जा रहे हैं मुझसे, मेरे लिए क्या लगता है, फिलहाल से तुम लोग बच्चों
ये देखो सफाई बड़ी मस्त चल रही है। कर ले जुगाड़, कर ले, कर ले कोई जुगाड़, कर ले जुगाड़ कर। और ये जूम करके देखो, ये इसमें लाजू आदमी है पीछे से। नहीं मारेगी, मैं हूं ना, मैं तेरे को अगर मारेगी ना भाग दूंगी मैं यहाँ से। कुछ भी नहीं कर रहा हूँ ना, बेचारे को भूख लग रही है, नहीं होने वाली। गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल ले। बाजी हमारे घर का कचरा भी ले जाओ, चलो चलो सब चलो। मेरे हाथों की हालत देख सकते, प्यार कर कर तुम्हारे हाथों में किसी ने, जल्दी जल्दी उठाओ ना, ये स्लो हो। नहीं नहीं आप उठा लो, ये सब हर तरह गली में कर लिए। देख रहे कॉन्फिडेंस की कमी है मेरे घंटे में। अपने घर की झाड़ू से दे दी जाती है, यहाँ की बैठे सिर्फ आप लोग के लिए। हाँ हाँ रहने दे, वोट रहने दे, कर लेंगे नहीं। जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई एम डूइंग दिस। माय ब्राउन, हाय ब्राउन, वो भी साफ करो, वो भी, ये भी डस्ट प्लेट में डाल के उठाओ सारा गंद। हालत इनकी टाइट हो गई। अच्छा नहीं कि मैं तो बची, मैं कभी ना उठाती। हेलो हेलो हेलो, गोल गोल रानी, ओए गोल गोल रानी, कितना कितना पानी, गोल 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 रानी, गोल गोल गोबर, कितना कितना गोबर। भाई सोच सकते हो तो देख दो, हमने तो बोली सोचते मत के बोल। देख सकते हैं ये गली को घर समझ के झाड़ू मार रही है, हालांकि मेरे ऊपर फेंक रही क्यों मारना। इसने पूरी गली को साफ करने का ठेका ले चुकी है ये, और पैसे लेंगे, और हमसे पैसे लेंगे साफ करने के। जमेदार अंतर 300 लेते ना, तुम्हें कितने देने? 1000 नहीं दे सकते, निकले यहाँ से, इतनी गंदी सफाई अभी भी देखो पड़ा हुआ है ना कचरा। हाँ हाँ फिर चलो 200 दे सकती हूँ। और ये रे डरपोक ली हानिया, डरती नहीं हूँ मैं, डरती तो बस किसी के बाप से। गाय आ गई थी तो ऊपर भाग गई चढ़ के, वो दिखाना चाहिए था मुझे। अब उतरोगी साफ करने? मेरी गाय तो लगता है सुपर पावर है, स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। साफ हो गया लगभग कचरा, बस अब समेट दिया ना तूने, साफ कर दिया, अभी उठाने की जरूरत नहीं है, दूर दूर तक का साफ करती है। बस बस हो गया मम्मी, बता ना। सो गाइस इसने अपनी सासक मुझे भी काम पे लगा दिया। ई ये मैं उठाऊंगी तेरे लिए, कर रही सिर्फ ले गोल गोल। ये तक का होश नहीं है, पड़ा मैं नीचे काम में लगी है। हिंगू हिंगू फाइनली हमने उसको बिठा दिया, हमने मैंने की है सारी मेहनत, मैंने की है मेहनत। जब से आई थी ना वो बैठ नहीं पाई थी, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस गंदगी, हमने मैंने सफाई की ताकि वो बैठ जाए। मैंने, और मैं इसके लिए गाना गाना चाहती हूँ, मैंने की है मेहनत। कैसे बैठते सो, और मैं एक बात कहना चाहती हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि लड़कों का ही काम होता है घर को संभालना, तो ये देख लो भाई लड़के। ओह यार यार ये कितनी औसम है यार, लड़कियां सब कर सकती हैं। फाइनली जुगाली कर रही है, सफाई इसके चौका बिना ये सकती हूं, वो सब मैं कर सकती हूं, मगर गोबर उठाने का मुझसे कोई नहीं उम्मीद रख सकता। मैं तो मेरी बहुत अच्छे से कर सकती हूं, मुझे हो चुकी है, लेकिन गोबर उठा नहीं सकती मैं उसके लिए। जस्ट फॉर माय गाय, और मेरी गाय की, और किसी की नहीं। कितने प्यार से बैठ के जुगाली कर रही है हमारी कौवा। कौन है वो, कौन है? और इनकी मैडम को देखिए, ये है टोटल मबादला, इतनी सारी गोबरी। इसका देख सकते हैं गोबर। बाय बाय, हमारा बाय।
सो गाइस देखा आपने किस तरह मैंने पूरी सफाई की। मतलब जो लोग कहते थे ना कि गाय पालना सिर्फ लड़कों का काम है, लड़कियों का नहीं, तो आप लोग देख लो भाई, लड़कियां भी सफाई वगैरह कर सकती हैं, गाय को पाल सकती हैं और गाय के लिए सब कुछ कर सकती हैं। तो लड़का लड़की की बात करती है, बात होती है मोहब्बत की, प्यार की और एक इंटरेस्ट की, जस्ट बिकॉज ऑफ माई गाय कि भाई वो आराम से बैठ जाए। जब से आई बैठ नहीं पा रही थी क्योंकि उसने गंदगी इतनी मचा दी थी, मैंने कहा ये साफ करूंगी, ये बैठ जाएगी। और आपने देखा जैसे ही मैंने साफ करा वैसे ही वो बैठ गई, और वो बैठी तो मुझे सुकून मिला यार। दो घंटे से खड़ी थी, शुक्र अब ये बैठ गई, फाइनली अब ये बैठ गई। लेकिन गाड़ी वालों ने मुझे इतना तंग करना ना, मैं आपको क्या बताऊँ, नहीं बैठने देंगे उन लोगों से दो घंटे आराम से, गाड़ी आना जाना करेंगे, वो बेचारी तंग आके खड़ी हो जाएगी। लेकिन फिर भी कुछ देर तो वो बैठ ही गई और काफ़ी मुझे अच्छा लगा भाई इस बात पर। One hour later. So guys, चलिए चलते हैं गाय के पास। लेटी है? हाँ। So guys, जल्दी भागो। लेटी कैसे? Actually ना जान रहा था ना, तो थोड़ी इस फ्रिज की सफाइयाँ वफाइयाँ भी हो रही हैं, you know? समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? समझे ना आप लोग? अल्लाह, कितने क्यूट लग रहे हैं। Oh my gosh. बेचारी देख सकते हो कितने प्यारे तरीके से बैठी हुई है ये, और ये एक देखो 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 आंसू आ रहे हैं इसके, दो आंसू। सो गाइस ये देखो अभी हम अपनी गाय के साथ वीडियो बना रहे हैं, इतने प्यारे एंगल में बैठी हुई थी, लेकिन गाड़ियों वालों को चैन नहीं आया, उन्होंने गाड़ियां ले लेके गए और फिर वही उसको उठा दिया, फिर वही उसको डिस्टर्ब कर दिया। A few moments later. Let's make sure. सो गाइस अभी आपने देखा मैंने अपनी गाय को चारा बना के दिया, चारा बना के दिया, गर्मी बहुत हो रही है और वो इतना भूखा था कि उसने फौरन खा लिया। मतलब हमें लग रहा था कि यार ये भूखा नहीं है, खाता है खाता है, इसलिए हम दे नहीं देते। तो रेत याद करते मम्मा पापा भी बोल रहे थे भाई तुम लोग खिला खिला के उसको निमान कर दोगे ये वो, तो हमें थोड़ी देर कहते लेकिन जैसे मैंने खाने दिया उसको फौरन निकाल दिया, इसका मतलब वो भूखा था। तो अभी पापा गए और चारा लेने, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ भूसा है और वो है, और चारा लेने की देखो ये भी फौरन फौरन खा रहा है। अभी पापा ले आए हैं चारा, और यार गाय इतना ज्यादा भूखी थी कि मैंने उसे जो चारा थोड़ा सा बना के दिया था कि एक सेकंड में खाएगी या नहीं, उसने फौरन वो खा लिया। अब पापा उसे और चारा बना रहे हैं, क्योंकि यार मैं तो मतलब पोलियो हाथों से बना रही थी और मुझे आता भी नहीं है इतना। खैर अब पापा को सही से बता, गाइस आपको बताती हूँ इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं भूसा, ये जो ऐसा होता है ना, इसको चौकर, ये चौकर कहते हैं जो ऐसा होता है ना, भूसा भूसा चावल में चीनी का काम करती है, चावल में चीनी का, ये चावल में चीनी काम करती है, ऐसे भूसे में ये चौकर काम करती है, और जानवर इसको खेल के लपड़ लपड़ खाते हैं। लपड़ लपड़ खाता है, और ये है पत्ते, ये कुत्तर है। इतना फनी नाम है कुत्तर। कुत्तर जो कहते हैं तो काटते हैं, कतर कतर से कतर में कहते हैं काटने को, हाँ इसलिए इसका नाम कुत्तर है। कुत्तर खा लेगी, कुत्तर इसकी फेवरेट होगी। ये चारा बना है सही। तो गाइस हमारा ना मतलब ऐसा हो रहा है बस नहीं चल रहा कि बस सब कुछ अपनी गाय को खिला दे, जितना हो सकता है अपनी गाय को खिला दे, उठा उठा के चीजें लाए उसको खिलाए हम, क्योंकि बस उसका आज ही सेकंड लास्ट डे है, कल से वो चली जाएगी। पानी आप देखो ऐसा डाल, चौकर पानी सिर्फ इतना डालते हैं, मैं तो भर भर के मग्गे डाल दिया। तो
गाइस अभी ऐसे सीन है कि गाय तो बाहर खा रही थी, तो मैंने कहा चलो भाई तुम खा लो, हम अंदर आके बैठते हैं, क्योंकि यार अब मैं ना थक गई हूँ, क्योंकि खड़े खड़े थकावट तो हो गई है, लेकिन वही बात है कि भाई बैठा जा ही नहीं रहा, चैन आ ही नहीं रहा है बैठ करके, बस ये हो रहा है बाहर जाऊँ, गाय क्या कर रही है वो देखूँ, गाय को देखूँ, बस जितना टाइम हो सकता है उसके साथ स्पेंड कर लूँ, बस दो दिन है, बस ये बात ना से हिट कर रही है कि दो दिन बाद चली जाएगा भाई, नहीं मैं मिल पाऊंगी, इसके बाद दोबारा इसलिए मैं कह रही हूँ एक एक सेकेंड ना अपना इसको दे दूँ। खा ले जीप निकाल, जीप खिलाना, क्या वो खिलाना, डरपोक बड़ा तो ला, नजर लग गाइस अभी हमारे गाय को पता नहीं क्या हो गया, वो इतनी मासूम गाय थी, तो बिल्कुल भी नहीं मार रही थी ना कुछ कर रही थी, और अब वो इतनी टकरे मार रही है, लाइक उसको हम प्यार भी कर रहे ना तो हमें टकरे मार रही है, मैंने कहा भाई मेरी वीडियोस तो बढ़ गई, मैं उसके साथ इतनी सोचा था वीडियो बनाऊंगी, इसके गले में हाथ डाल के ये वो सारी वीडियोस बढ़ गई, अब कुछ नहीं बना पाऊंगी मैं, क्योंकि वो बहुत गुस्से वाली हो गई, पता नहीं कि वो इरिटेट हो रही है, क्या हो रहा है, या वो बैठ नहीं पा रही, थक गई है, कुछ तो मसला है, लेकिन मसला हो गया यार। 2000 years. So guys, welcome back. तो आप लोग सोच रहे होंगे ये लड़की बार बार तैयार होके क्यों आ रही है भाई, इसकी कोई वजह ऐसी वैसी नहीं है, मैं तो आपको बता ब्लॉग में अपने भंगने वाली हो रही है, मैं अभी उठ कर आ जाती हूँ, ब्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ, लेकिन मैं तैयार बार बार इसलिए हो रही हूँ क्योंकि मुझे बनानी है गाय के साथ बहुत सारी टिकटॉक, मतलब बहुत सारी, मेरा दिल कर रहा है कि मैं उसके साथ एक एक पल की वीडियो बना लूँ, ठीक है यार, मुझे ना पता नहीं एक अटैचमेंट, एक अट्रैक्शन हो गई है, तो मैं ये चाह रही हूँ कि भैया मैं ना वीडियोस पिक्चर बनाती रहूँ, ताकि ये मेरे मोमेंट ना कैप्चर है, इसके बाद तो मैं इनसे कभी नहीं मिलूंगी ना, जब ये जिबा हो जाएंगी, तो मैं अपने वो मोमेंट अपने साथ रखना चाहती हूँ, बस यही वजह है कि इनके साथ मैं गाय बनाना चाहती हूँ, इनके साथ मैं वीडियो बनाना चाहती हूँ, तो अभी तो मैं अपनी गाय के लिए बनाऊंगी चारा, क्योंकि वो भूखी है, उसने दिन में खाया था, तो पहले हम देखते हैं, पहले हम ये देखते हैं कि वो कर क्या रही है। गाइस इधर आ रही है। हेलो गाय, हेलो ब्राउनू, अल्लाह अल्लाह यार, हमारी गाय ना बहुत गुस्से वाली हो गई है, क्यों भाई क्यों तुम इतना गुस्से वाली हो गई है, मुझे ये बताओ तुम्हें क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्या हुआ है, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझे बताओ, हमें सर पे गुस्से में आ गई, नहीं कर वो गुस्से में आ गई ना, एक बार हम सोचो तब मैं मारेगी मुझे, कान पकड़ के सॉरी, बस तू जो ब्रश फेर रही है वो ब्रश से क्या होता है, उसको अच्छा लगता है, बाबा कहते हैं ऐसा। सो गाइस अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं मूड होकर आई हूँ, अरे नहीं भाई मैं तो तैयार है, भाई मेरा पता क्या हो गया है, तैयार होती हूँ, बाहर जाती हूँ, वीडियोस बनाऊंगी, देखती हूँ मैंने गंदगी में जाती, फिर सोचती हूँ चलो सफाई करूँ, सफाई करती हूँ, इतना थक जाती हूँ, इतना बुरा हाल होता है, मैं आके बैठ जाती हूँ, वीडियोस भी उसमें बनी नहीं पा रही, अभी भी मैं गई उसने इतनी गंदगी मचा दी, मैंने सारी सफाई की, झाड़ू वाड़ू दी, क्योंकि हमारे ना मतलब गली में भी बड़े फटे फसाद हो जाते हैं अगर हम नहीं करें तो सारी वो सब किया फिर से। सो गाइस ये देखिए हमने गाय के लिए ना टब में थोड़ी सी रोटी भिगोई थी, और ये जो ग्रीन है ना यह है खल, इसे कहते हैं खल, अच्छा हमको सिखा रही है, गाय के चारे के लिए होती है ये, मैं तो आप लोग कैसे बता रही हूँ जैसे आप लोग को कुछ पता ही नहीं है, लेकिन आप लोग को भी पता होगा, लेकिन मैं भी बता रही हूँ, तो इसे कहते हैं खल, और ये गाय बहुत शौक से खाती है, और ये एक घंटा मैंने भिगाना, तो मैंने भिगा दी थी, चलो अब आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं चारा बनाने का। भाग के आ रही है। रात के साढ़े बारह और मैं भी कमरे में आकर बैठी हूँ, इतना तक भाई मैं बाहर जाती हूँ, भाई एक वीडियो बनवा लेना है, जब मैं तैयार होती हूँ जब गाय तैयार होती है, जब मैं तैयार नहीं, ऐसा सुन और जगह वो बार 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 दिन निकल जा रही है, साफ करती हूँ कि चल भाई सुकून से बैठ जा, तू सुकून से वीडियो बनवा लिया, ये सब तो वो करना कर रही है, मेरा वाला प्रोग्राम बार बार बढ़े जा रहा है।
मणि वाली वही नहीं बनना थक गई मेरा। चल भाई चल तू बैठ, तू कर, तू जो करना मजा आ गया। अंदर आ गई, अब देखता है कि मेरी वीडियोस बन पाएंगी या नहीं। तो जब मेरी वीडियोस नहीं बननी, मैं अपने चलो वीडियोस ही एडिट करके बैठे कुछ। ठीक है, हमने चीज़ें मंगवाई हैं थोड़ी बहुत, यही चीज़ें खाते हैं हम, क्योंकि हम अपनी गाय के साथ बैठे हैं बाहर गली में। ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, और ये मिसबा है। मिसबा मिसबा अपना थोड़ा दिखाओ, ये मिसबा है और ये मैं हूँ। हमारी पार्टी हो रही है। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे अभी ये क्या है, सो रही है ये बंदी? हाँ भाई, ये हेल्प बबली हो रही है इनसे। तो आप लोग ये देखो, ये बज रहा है रात के दो, ये सुबह के 2:00 बजे, दोपहर के 2:00 बजे बज रहे हैं, रात के 2। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ जो बहुत सैड है, ये देखो, आपको शायद कोई नज़र ना आए यार। बस मैं आपको ये दिखाना चाहती थी कि हमारी गाय जा चुकी है, हमारी गाय बाड़े में चली गई, क्योंकि यार इतना परेशान कर रहे थे, इतना मतलब वो ना एकदम मासूम सा जानवर, तो बहुत मासूम थी, लेकिन वो इतना डिस्टर्ब, इतना इरिटेट हो चुकी थी कि वो ना हमें टकरे मार रही थी सीरियसली, क्योंकि यार उसे दो पल चैन से बैठने नहीं दे रहे थे, गाड़ियाँ आ रखी, इतना आ रही थी वो बैठी नहीं थी। तो इसलिए हमने उसे कहा यार बाड़े में भिजवा दो, क्योंकि हमारा शौक, हमारा इंटरेस्ट, क्योंकि यार उसके आराम से ज़्यादा तो नहीं है ना, उसका आराम तो ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए हमने भिजवा दिया, और मेरी वीडियोज़ नहीं बन पाई थी क्योंकि वो ना बहुत ज़्यादा गुस्सा करती, वो टक्करें मार रही थी, मैं उसको प्यार भी कर रही थी ना, वो मुझे मार रही थी। मैंने कहा भाई ये गुस्से में ये इरीटेट हो गई है, ये बहुत ज़्यादा चिढ़ गई है, क्योंकि यार जाहिर है जब वो जब से आई दोपहर से सुकून से नहीं बैठ पा रही, दो पल भी बार बार उसे खड़ा होना पड़ा, बार बार उसे खड़ा होना पड़ा, जाहिर वो थक गई होगी। इसलिए मैंने कहा भाई भिजवा दो उसको, अभी बारे में थोड़ा ये होगा, आराम आराम करेगी, थोड़ी सो जाएगा। मैं गई 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 यूँ बोलती हूँ, मुझे भी नहीं पता, थोड़ी सो जाएगा तो यह है कि वो मतलब सुकून में रहेगा। और दूसरी बात कि भाई हमारी जो गली में और भी गाय हैं वो सुबह ज़िबा हो जाएंगी, क्योंकि सुबह है बकरा ईद। तो कहते हैं ना कि गाय के सामने या जानवर के सामने नहीं करनी चाहिए हमें दूसरे जानवर की कुर्बानी, क्योंकि यार उसको उसको जब उसके सामने तुम उसको गाइड हो गए दूसरी गाय को, तो वो देख के बोलेगी या बोलेगा कि यार मेरा भी, और ना ऐसा बुरा लगता है ना, उसको हर्ट तो होगा ना उसको। तो इसलिए कहते हैं कि या तो उसको आप कहीं और बांध दो, मतलब उसके सामने नहीं करनी चाहिए। तो वो लोग तो हमारे गली वाले तो सुबह सुबह 7 बजे काट देते हैं, तो हमने कहा भाई इसको भिजवाओ ताकि ये सुबह ये सब भी ना देखे, और फिर ना वो देखते ना तो वो और वो रात के संग हो जाते हैं। एनी वेज फिर हमने भिजवा दिया, और अब हो सकता है तो क्या लाजमी सी बात है कल आ जाएगी, और कल रुक गई, और हमारा कल का प्लान तो नहीं है, वरना हमारे यहाँ ऐसा होता है पहले दिन करती है, 2-3 साल से ऐसा हो रहा है कि दूसरे दिन कट रही है। तो कल भी हमारे यहाँ दूसरे दिन की मतलब अब भी हमारे यहाँ दूसरे दिन ही कटेगी, क्योंकि नींद में इतना होना कि मेरे को खुद नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ। तो अब भी हमारे यहाँ दूसरे दिन ही कटेगी, और ये बात मुझे इतना हर्ट कर रही है, जब जब मैं सुन रही हूँ ना यार वो कटेगी, यार वो कट जाएगा, यार वो मर जाएगा, यार वो मुझसे दूर हो जाएगा हमेशा के लिए, इतना दिल पर लग रही है ये बात। एनी वेज ना कि जाना मान होगा ना हमारी बीमारी को कबूल कर। चलिए गाइस अब हम चलते हैं, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो, या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।